नमस्कार, सर्च इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि नेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर धामपुर से, जामिया नूरिया मदरसा के नाम पर फर्जी चंदा कर रसीद काटने का मामला। आपको बताते चले, धामपुर नगर में जामिया नूरिया मदरसा के नाम पर पंजाब पुलिस ने धामपुर सहित जनपद के कई लोगों को फर्जी रसीद काटने के मामले में जेल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में जब हमने वहां के SI गुरमीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, शमशाद नाम का एक व्यक्ति जो धामपुर निवासी है, उसके पास से 10 रसीद बुक जामिया नूरिया मदरसा के नाम की मिली है, जिस पर मदरसा संचालक के हस्ताक्षर पाए गए हैं। 420 सहित कई संगीन धाराओं में इन लोगों का चालान किया गया है। वहीं इस संबंध में जब हमने जामिया नूरिया मदरसा के मौलवी से बात की तो उन्होंने बताया, शमशाद हमारे मदरसे में ही काम करता है और जगह जगह से चंदा वसूल करके लाता है। उन्होंने हमें एक रजिस्टर दिखाया जिसमें शमशाद नाम के एक व्यक्ति का फोटो भी लगा था, लेकिन मौलवी साहब हमें यह नहीं बता पाए कि कितनी बड़ी रकम चंदा इकट्ठा कर यहां भेजी जाती है। पंजाब के कई अखबारों में खबर छपी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। उसी के माध्यम से आज नगर के जामिया नूरिया मदरसा हमारी टीम पहुंची और इस संबंध में वहां के संचालक से बात की, तब इस मामले की तह तक पहुंची। इसी तरह का मामला जनपद बिजनौर के नूरपुर का भी आया था। वहां भी करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा कर मस्जिद मदरसे के नाम पर लाया गया है, जहां लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना यह है कि यहां पर अभी तक कितना चंदा वसूल किया गया है और यहां के संचालक ने कितना चंदा अभी तक दिखाया है। इस संबंध में मौलवी इधर उधर अपनी बगले झांकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च इंडिया न्यूज। मेरा नाम मोहम्मद मजहरुल्लाह है और मैं जामिया नूरिया धामपुर का मौलवी हूँ और मैंने पंजाब मोहम्मद शमशाद नाम के एक व्यक्ति को भेजा है जो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। वो मेरा आदमी सही है और पंजाब ये जो फर्जीवाड़ा, ये जो चंदा हो रहा है, जी, फर्जी रसीद वहाँ बुके पाई हैं। हाँ, बता रहे हो आपने 5 रसीद बुक हैं, लेकिन उसके पास से 10 रसीद बुक उन्होंने पाई हैं और फर्जी रसीद काटते उन्हें गिरफ्तार किया है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई फर्जी रसीद नहीं है, वो सब मेरी रसीद बुकें हैं। मेरे पास उनके नंबर लिखे हैं रसीद बुक के। जो उसके पास रसीदें हैं, पुलिस की गिरफ्त में हों या शहर पंजाब के पास हों, उस नंबर में बता सकता हूँ रसीद बुकों के। वो मेरा आदमी है और उसको जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। और सच्चाई है, मदरसा भी है यहाँ जामिया नूरिया के अंदर। नहीं, मदरसा तो सही है, हमने ही पुष्टि की है मदरसा है, लेकिन जो पुलिस ने उसको चलान करके जेल भेज दिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो शहर पंजाब की हरकत है, वो पता नहीं क्यों करा उन्होंने, कैसे करा, अब अल्लाह जाने वो क्या करा क्या नहीं करा, अब उनसे पूछा जाए। किस आदमी की हरकत हो सकती है? जी, किस आदमी की हरकत हो सकती है? वो एक सिक्योरिटी साहब हैं जो आजकल अखबारों में उनका नाम चल गया, मुकीम भाई। उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा था, वीडियो कॉलिंग बात करी थी, मैंने बता दिया था मोहम्मद शमशाद मेरा आदमी है। बाकी जी और जी 12-13 फोटो आ रहे हैं, उसको मैं नहीं जानता। हमारा सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और धामपुर का नाम भी इसमें बदनाम हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यह कहना चाहेंगे बस हमारा एक आदमी है और बाकी हमारा आदमी नहीं है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।